से मिल रही है। युवती से गैंगरेप का प्रकरण दर्ज, महिला थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। तीन युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। 26 अक्टूबर से 15 जनवरी के बीच की घटना बताई गई। मध्य प्रदेश के दिनेश बंजारा, चंद्रेश और सोजत जोगी पर आरोप लगा है। पुलिस जुटी है मामले की जांच पड़ताल में। एएसपी शंकरलाल मीणा अनुसंधान कर रहे हैं। जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं वारदातें बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से शर्मनाक खबर आई है। युवती से गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। महिला थाने में यह पूरा प्रकरण दर्ज हुआ है। तीन युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। 26 अक्टूबर से 15 जनवरी के बीच की यह घटना बताई गई है। सही तिथि जो है अभी तक सामने नहीं आई। वही मध्य प्रदेश के दिनेश बंजारा, चंद्रेश और सोजत जोगी पर आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के बताए गए हैं आरोपी, नाम भी सामने आया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एएसपी शंकरलाल मीणा पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है, पीड़िता की तरफ से क्या बयान दर्ज किए जाते हैं। जिस तरीके से तारीख सामने आई है, क्योंकि अक्टूबर से जनवरी तक के बीच का यह मामला बताया गया है, और इसके अलावा जो आरोपी बताए गए हैं मध्य प्रदेश के बताए गए हैं। महिला थाने में मामला दर्ज हो चुका है, नाम सामने आ चुके हैं आरोपियों के। किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्या गिरफ्तारी हो चुकी है या नहीं, इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा यह पूरा मामला एक बार फिर से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। लक्ष्मीकांत, पूरी खबर के बारे में बताइए, क्योंकि एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। लेकिन जो आरोपी बताए गए वो मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, क्या इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, ये प्रकरण दर्ज हुआ है और पुलिस अभी इस पूरे मामले के अनुसंधान में लगी हुई है। जो पीड़िता है उसने ये आरोप लगाया है कि घटना 23 अक्टूबर से लेकर के और 15 जनवरी के बीच की है। यानी इसमें जो एक आरोपी जो बनाया गया है वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। तो निश्चित रूप से पूरी घटनाक्रम की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है, और पीड़िता के बयान और उसके मेडिकल के बाद में जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। लेकिन घटना बेहद गंभीर है, शर्मसार कर देने वाली है, क्योंकि इसमें तीन जो लोग हैं उनको नामजद किया गया है, जिसमें दो जो लोग हैं वो स्थानीय लोग हैं। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए लक्ष्मीकांत।